नमस्कार आप सभी का, मैं पवन कुमार राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। और कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी चाहे कुछ भी करे, उसको जाना है एक ऐसी जगह पे जहां पे सभी जाते हैं। इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, दौड़ता है और वो लगा रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। कोई धर्म कमाता है, कोई कर्म कमाता है, कोई पापी भी है इस दुनिया में हर तरह के, लेकिन सबकी एक राह है। और वो राह है, वो राह कौन सी है, उस जगह पे मैं आपको लेकर के आया हूँ, वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो जगह एक सौरक के नाम पे जानी जाती है। वो तो क्या पता कि वो भगवान कहाँ उसको लेकर के जाता है, उस आत्मा को सौरक में या नरक में कौन सी जगह पे लेके जाता है, लेकिन एक इंसान के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे उस जगह को हम कहते हैं सौरक। शरीर रूपी है और उसको आत्मा जब त्यागती है उस शरीर को, तो उस शरीर को एक जगह पे दाह संस्कार किया जाता है। उस जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ। इस जगह के बारे में मैंने चर्चा सुनी है और यहाँ के बारे में मैंने, इस गांव की जो वो जगह है इसके बारे में चर्चा सुनी है कि भाई वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन उस जगह को रूप दिया गया है, बनाया गया है। जो शोभापुर है, शोभापुर का जो शमशान घाट है उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन सुविधा यहाँ पे लगाई गई है। और एक चीज़ ये भी है, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, शमशान घाट के नाम से भय आता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात यहाँ पे रह रहे हैं और उस जगह की केयर कर रहे हैं। इस जगह की केयर कर रहे हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पे गमले भी लगाए गए हैं। मैं आपको एक एक सीन दिखाने वाला हूँ। और जो शख्स है वो दिन रात यहाँ पे रहता है और पूरी तरह से सेवा कर रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो दृश्य, जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, गांव शोभापुर। यहाँ पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये शमशान घाट है, ये पार्क नहीं है। कभी आपको लगे कि हम पार्क में हैं, ये पार्क नहीं है, न कोई यहाँ पे म्यूजियम है। ये सिर्फ बहुत ही बेहतरीन तरीके से शोभापुर गांव की पंचायत ने, गांव के सहयोग से ये तैयार किया है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे पार्क लगाए गए हैं चारों साइड में, आप देख रहे हैं फ्लैग भी लगे हुए हैं, झंडे भी लगे हुए हैं। और उन झंडों के ऊपर जो तस्वीर है वो तस्वीर है महादेव की, वो तस्वीर है शिव शंकर की, उस महाकाल की। कहते हैं व्यक्ति जब शमशान घाट में जाता है तो वहाँ पे महाकाल होता है, महाकाल रूपी शिव शंकर भोलेनाथ होते हैं। और उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे लगाई है, उनकी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया भी गया है। और यहाँ पे एक वो देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तीन सेट है, तीन सेट लगाए हुए हैं अलग अलग समाज के, अलग अलग समाज के लिए अलग अलग तीन सेट है। बढ़िया माहौल बनाया है यहाँ पे, आराम से आदमी जो घबराता है, जो सोचता है कि भाई शमशान घाट में जाने के बाद में वहाँ पे पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा, डर लगता है, भय लगता है, लेकिन यहाँ पर आकर तो मन लगता है। और यहाँ पे दो गांव की है, यहाँ पे शमशान घाट पहला गांव है, ये शोभापुर, और उसके उधर है भूषण का शमशान घाट के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम शोभापुर वाले के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अक्सर क्या होता है कि जब कोई भी आत्मा शरीर को त्यागती है और उस शरीर को दफनाने के लिए शमशान घाट में लाया जाता है, तो कई गांवों में ऐसी अव्यवस्था होती है कि बैठने के लिए जगह नहीं होती है, कई गांवों में पानी पीने तक की, हाथ धोने तक की, नहाने तक की सुविधा नहीं होती है। लेकिन यहां पे आपको इसे को मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये जो चेयर से बात करवाता हूँ आपकी, जो यहाँ पे समाज को डर है, भय होता है शमशान घाट के नाम से। आप
तरह से रह रहे हैं आप, तो नहीं लगता? यहाँ कोई डर नहीं है, मैं आराम से रह रहा हूँ और उनकी कृपा से। शंकर भगवान है, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं आराम से रह रहा। कितने दिन से रह रहे हो बाबा यहाँ पे? मैं 5-6 महीने हो गए। तो भय लगता हो सर्दी में किसी प्रकार का? भय नहीं है। हम अक्सर वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी कई जगह पे कि भयंकर भयंकर ड्रावना सिस्टम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट का दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर की जो बात करते हैं, बाबा कह रहा है कि मैं 5-6 महीने से हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये सौरग है एक तरह से, बहुत बढ़िया बनाया है। यहाँ सुरग ही है जी, जी बहुत बढ़िया है। और यहाँ आते हैं वो खुश होकर जाते हैं, खुश होके जाते हैं। तो बाबा जैसे कि आपके सामने कई बार क्या होता है कि मुर्दे जो होते हैं वो जलाए जाते हैं, तो उस रात को भी आप यहाँ पे? तो कोई भय? कोई भय किसी प्रकार का नहीं, किसी प्रकार का भय? मन का किसी तरह से कोई भय नहीं है। ठीक ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये जो पंचायत ने बनवाया है किस तरह से? सब ये हमारे गांव के सरपंच साहब की सोचती है और गांव के सभी लोगों का योगदान रहा, इसे बहुत ही अच्छा। और गांव जब से महाकाल की मूर्ति शमशान घाट में आई है, जब से गांव के लोगों की सोच धारणा सब कुछ बदल चुकी है जी। हर व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलना चाहता है और अभी फिलहाल गांव में इस महाकाल के आशीर्वाद से गांव में अनपोची का गांव में मतलब चर्चा विषय उठ रहा है जी। और भगवान की कृपा से हम सब मिलके ये भी एक अच्छा काम करने की ओर जा रहे हैं जी, ग्रामवासी जी। और हमारे गांव में फिलहाल जिंद सरपंच ने वो गांव में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हमारे गांव में सती माता है, हमारे उस साइड गौशाला है, एक साइड हमारे सती महाराज का मंदिर है जी, एक साइड ये महाकाल जी की मूर्ति टिकी हुई है। और सभी भाइयों की लोग से आजकल क्या होता है कि पार्टी बाजी की दलदल में उसके गांव बहुत पीछे जा चुका था, और अभी सरपंच साहब ने और बहुत से मौजूद लोगों ने सभी परिवारों ने मिलकर अभी एक धारणा की है कि हम इस बार गांव में अनुकूल सरपंच बनाएंगे। हमारे गांव की 35-40-50 साल की राजनीति में हमारे गांव का बहुत बुरा हाल हो चुका था। अभी हमारा गांव शिक्षा में भी उन्नति कर रहा है और मतलब सत्य के मार्ग पे चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे गांव में काम हुए हैं जी। मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनकी सोच से ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। और वैसे तो पूरे गांव का ही सहयोग है जी। और अभी जो सबसे अच्छी बात मेरे गांव में होने जा रही है वो है अनपोची जी। अगर भगवान की कृपा से ये आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है जी। अनपोची में सरकार कुछ अनुदान देती है पंचायत, मुझे तो नहीं पता है कि किसकी तरफ इशारा जा रहा होगा अनपोजी का, लेकिन जिसकी तरफ भी जा रहा होगा तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसको भी अनपोज किया जाता है, अगर पूरी पंचायत भी अनपोज की जाती है तो वहाँ पे जो अनुदान मिलता है जो गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से, वो लगना चाहिए गाँव के अंदर ही। बिल्कुल गांव के अंदर लगना चाहिए। और ये भगवान की जब से मूर्ति टिकी है गांव में, बहुत गांव के ही सभी के बहुत अच्छे दिन लग गए हैं, गांव की भी सोच में बहुत सुधार हुआ है, लोगों की सोच में बहुत सुधार हुआ है। और शायद ये आपकी बार भगवान की कृपा होगी तो अनुभव ही सरपंच बनेगा। बहुत ही बढ़िया है। और देखो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, अभी तो ये जो सर्दी का माहौल रहा है जिसकी वजह से पौधे हैं ये सूखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था बढ़िया बनाई गई है कि ये पार्क के लिए फवारे ना चला करके इस तरह के जो पंप लगाए गए हैं जो ट्यूब वाले हैं, ताकि पानी की व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे, मोटर चलती है। बाबा ये बहुत बढ़िया है। अच्छा सर, ये जो शमशान घाट है, ये जो तार बाड़ लग रही है, ये इसकी उधर वाला पंचायत का है जिन्होंने ये कार्य किया है? अच्छा अच्छा, उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारा तो पहले से ही हो रहा था, तो ये मुस्लिम ग्राम पंचायत। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि आपके इस कार्य को देखते हुए, इस शमशान घाट को देखते हुए बदलाव वहाँ पे किया जा रहा हो? हाँ जी, देखो ऐसा तो होता ही है, मगर जब से मेरे तौर मैंने आपको पहले बताया कि बाबा की मूर्ति आई है तो यहाँ ही रहनी जैसे चोर वगैरह सफाई चल रही है। एक बार ग्राम पंचायत सुबह उठने कदम किया है, एक तस्वीर देखते हुए बगल का दूसरा गांव अगर वो उसी के तस्वीर को देखते हुए, यानी कि इसको देखते हुए पूछा गांव का अगर सरपंच या पंचायत जो अच्छा काम कर रही है वो भी बढ़िया आगे बहुत ही बढ़िया है।
है तो यही है कि भाई हमें कुछ ना कुछ अगर गवर्नमेंट से मिलता है, मिलता तो है, तो हमें करना चाहिए। वो बोलते हैं कि ग्रांट की कमी नहीं है, ग्रांट लगाने वाले की कमी है, और ग्रांट अगर लेके आए तो बहुत ही आराम से आप अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेस्ट है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसी पंचायत का जिनकी सोच, ऐसे सरपंच का जिनकी सोच इसको आगे लेकर के बढ़ी है और बहुत ही बेहतरीन कदम उठाकर के एक नया रूप दिया है। तो एक चीज़ और बताओगे, जैसे कि ये जो मेहनत है, ये जो की है, बहुत सारी मेहनत की है, ये इसमें योगदान युवा छात्र, सॉरी युवा व्यक्तियों का भी रहा होगा जी, युवा व्यक्तियों का, नवीन का है जी इसमें योगदान, नवीन और पूरे गांव का भी रहा होगा, गांव का साथ है जी। तो नवीन, ये जो नवीन भाई साहब, नवीन भाई साहब है ना जी, इनका मतलब जो है साथ है और ये कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मेहनत के पौधे ला रहे हैं और लगा रहे हैं जी, ये मतलब कर रहे हैं। नवीन जी, जैसे कि क्या विचार, क्या दिमाग में ये युवा सोच बनी आपकी? विचार सर ये थे कि पहले थोड़े से मतलब गलत दिशा में हम चले गए थे जी, तो गांव के लोगों ने हमें समझाया कि भाई ये में अच्छी एक बात नहीं है आपकी, आप कुछ अच्छा करो। गांव के बुजुर्गों ने हमें सहयोग किया, सरपंच ने हमारा सहयोग किया, हर चीज़ में हमारे कुछ फैसले करवाए और हमें अच्छी दिशा में लेके गया गांव की ओर, और हमने फिर अपनी सोच बदलने की कोशिश की जी। और सर इसलिए हमने मैंने इस योगदान देने की सोची, तो पेड़ पौधे लगाए या बाबा के टाइल लगवाई, तो बस अपनी जो हो रहा है वो कर रहे हैं, बाकी गांव सरपंच साहब और पंचायत कर। नवीन जी बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात की है। गांव होता है उसने बहुत कुछ, अगर एक व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे गया, गलत दिशा में गया, और पूरे गांव के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके कहने से आप अगर एक शुद्ध सही दिशा में चले हैं तो बहुत बढ़िया आपके गांव का सहयोग रहा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और गांव का बहुत बढ़िया, आपका भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी के चक्कर जी। बहुत अच्छा, एक व्यक्ति की सोच में बदलाव लेके आना आसान नहीं होता, लेकिन पूरे गांव ने अगर सोच में बदलाव लेके आया है तो ये जो नवीन है, इसी तरह से गांव के बहुत सारे गांव के लोग हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं, उनकी सोच में भी बदलाव आ सकता है।